कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैजान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेंगे। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप के लिए मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक फ़ाइल बनाई है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे या फिर ये रिसेंट वर्क में दिखा रहा है, यही वाली फ़ाइल बनाई है हमने, अभी इसमें कोई और फाइल भी नहीं बनी हुई है, उस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही नॉर्मली बनी हुई फाइल है, बस इसमें एक चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं बताया है कि ये इसकी चौड़ाई तो हम बढ़ा पा रहे थे, ये ऊंचाई कैसे बढ़ाएंगे, ये जो ये इसके बीच में इतना गैप हो रहा है। तो ये ऊंचाई भी हम यहाँ से ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ये कॉलम की चौड़ाई बढ़ रही है और ये रो की ऊंचाई बढ़ रही है, हाइट। तो इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अलाइनमेंट में ये होता है कि हमने जो कुछ लिखा हुआ है, ये इस लिखे हुए को हम लेफ़्ट में लाना चाहते हैं यहाँ, तो हम लेफ़्ट पर क्लिक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होती हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम। तो हम इसको लेफ़्ट करना चाहते हैं, लेफ़्ट में आ जाएगा, लेकिन ये भी सेंटर में है, इस तरह से सेंटर में है और इस तरह से देखा जाए तो ये लेफ़्ट में आ चुका है। तो अभी हम इसको सेंटर से जो है ऊपर चाहते हैं मिला के, तो इसको टॉप कर सकते हैं हम। यहाँ से सबको सेलेक्ट कर रखा है इसलिए ये तीनों हो रहे हैं। आप इसको बॉटम या लेफ़्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर इधर कर सकते हैं, टॉप में या मिडिल में भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर या बॉटम में भी आप लेफ़्ट राइट सेंटर इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरह से 6 अलाइनमेंट होती हैं, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं अपने बिल को या अपने डाटा को अच्छे से सुंदर बनाने के लिए। इसको सिलेक्ट करके हम सेंटर में ले लेंगे ताकि ये अच्छा लगे। शुरू के कॉलम्स जो होते हैं वो थोड़ी ज़्यादा बड़े बड़े बने हुए होते हैं, किसी भी बिल्स को आप देखोगे तो वो इसी तरह के दिखाई देते हैं, तो आप उनको इस तरह से हाइट बढ़ाकर या विड्थ बढ़ाकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये लिखे हुए को आप सेंटर में ला सकते हैं या लेफ़्ट में ला सकते हैं या राइट में ला सकते हैं, जहाँ आप चाहे वहाँ ला सकते हैं। वही सब काम आप इसके साथ भी कर सकते हैं, या आप सारे डाटा को ही एक साथ भी लेफ़्ट, सेंटर या राइट कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं इसको। इस तरह से ये होता है लेफ़्ट राइट सेंटर। टेक्स्ट डायरेक्शन हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट होती हैं ये सारी। अभी हम सीख रहे हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन होता है कि ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है सीधा, हम चाहते हैं थोड़ा आड़ा तिरछा लिखा हुआ हो, तो इसको यहीं पर क्लिक करना है, एडिट नहीं करना है, कुछ भी करते हुए एक्सेल में एडिट नहीं करना है, बस क्लिक करना है और उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन के इस बटन पर क्लिक करेंगे और ये दिखा रहा है इसके एंगल कि आप इस तरह से करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को तिरछा या नीचे की तरफ को तिरछा या इस तरह से एक एक अक्षर नीचे को या इस तरह से लेफ्ट को या इस तरह से, या अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो फिर आपको साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, रो की हाइट बढ़ानी पड़ेगी ताकि लिखा हुआ सही से दिखाई दे, और आप कॉलम विड्थ कम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बिल में और सजा के अच्छे से लिख सकते हैं इसको। तो ये आड़ा करना हो गया टेक्स्ट को। आप इस टेक्स्ट को वापस सीधा करना चाहते हैं तो इसमें सीधे करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेफ़्ट करने का है, राइट करने का है, डाउन करने का है या
इसको आप नीचे की तरफ को कर सकते हैं, लेकिन सीधा करने का ऑप्शन नहीं है। तो फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट में जाएंगे यहाँ, और इसको टेक्स्ट जो ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस रेड बटन पर क्लिक करके इसको जहाँ पर आपका ये टेक्स्ट सीधा हो जाए वहाँ पर क्लिक करके ओके करना है, तो ये आपका सीधा हो जाएगा। तो ये था टेक्स्ट डायरेक्शन। आप अपने टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट को अंदर को इंक्रीज या बाहर को, अंदर को इंक्रीज या बाहर को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये इंक्रीज इंडेंट होता है अंदर को आने के लिए, अपने सारे टेक्स्ट को अंदर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, इसकी मदद से तो पूरा होता है, लेकिन हम इसकी मदद से चाहते हैं कि थोड़ा अंदर हो, ज़्यादा ना हो, तो ये आप इसकी मदद से थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं या थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। यही काम आप सारे टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट करेंगे और डिक्रीज इंडेंट करेंगे। ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज, अपने टेक्स्ट को अंदर की तरफ को इंक्रीज करना या बाहर की तरफ को डिक्रीज करना। जब हमें अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना हो या अपने अकॉर्डिंग कम करना हो, तब के लिए इसका यूज़ होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। टेक्स्ट रैप और मर्ज एंड सेंटर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल एक्सेल को बंद करते हैं, इसको डोंट सेव पर क्लिक करते हैं। जितना पहला सेव हुआ होगा उतना रहेगा, जो चेंजेस हमने किए हैं वो नहीं आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।